नैनों में नैनी ताल पाकी सब तलैया। ये गाना आपने सुना होगा, अरशद वारसी और अजय देवगन की जोड़ी यहीं से बनी। उसके बाद इस जोड़ी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, जिसमें गोलमाल सीरीज तो अपने आप में नाम है, लेकिन इस फिल्म में एक हीरोइन थी मयूरी कांगो, जिनको आप एक और गाने के लिए जानते हैं, जुगल हंसराज के साथ वो गाना था घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। तो मयूरी कांगो किससे जुड़ी एक बड़ी खबर अभी आज आई है, और इंडियन पॉपुलर कोर्ट के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी और भी रोचक जानकारियां पहुंचती रहें। मयूरी कांगो ने अपना करियर फिल्मी करियर शुरू किया था 1995 में नसीम फिल्म से। ये फिल्म 1992 के बाबरी मस्जिद के विध्वंस के आसपास बनी थी, और इसमें उनके दादा का किरदार निभाया था कैफी आजमी जैसे मशहूर शायर ने, जो शबाना आजमी के पिता भी, और उनके नाम से एक ट्रेन भी चलती है कैफियत करके। तो इस फिल्म के डायरेक्टर सईद मिर्ज़ा को नेशनल अवार्ड मिला था, और वो नेशनल अवार्ड उनको उस फिल्म के बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए मिला था। 1996 में फिर फिल्म आई महेश भट्ट की 96 में फिर फिल्म आई महेश भट्ट की पापा कहते हैं। इसमें मयूरी कांगो लीड रोल में थी और जुगल हंसराज के साथ उनकी जोड़ी बनी थी। हालांकि फिल्मों में उनका करियर बहुत ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद होगी प्यार की जीत में वो असरवासी के अपोजिट थी, जिसके गाने से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की। फिर और भी वो कई फिल्मों में थी, और बॉबी दुल के साथ बादल फिल्म में भी उन्होंने काम किया। लेकिन उनकी उनकी फिल्मी करियर बहुत चला नहीं, तो फिर वो टीवी पर चली गई, जहाँ पर उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ एक सीरियल किया, लेकिन वहाँ पर भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छा करियर नहीं रहा। तो अच्छा नहीं रहा, और उनकी शादी हुई आदित्य ढिल्लन नाम के एक NRI से। उसके बाद वो न्यूयॉर्क चली गई, वहाँ जाकर उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और MBA की डिग्री ली। फिर कुछ साल वहीं काम किया, और बाद में वो इंडिया आ गई। इंडिया आके भी उन्होंने गुड़गांव में एक कंपनी के साथ एडवर्टीजमेंट एजेंसी का काम किया, और अब मयूरी कांगो को गूगल इंडिया ने अपना एक डिवीज़न का हेड बनाया है, उनको इंडस्ट्री हेड बनाया है। उनका जो डिपार्टमेंट है वो एजेंसी पार्टनरशिप विद द गूगल इंडिया देखते हैं, मतलब गूगल इंडिया के साथ जो काम करने वाली अदर एजेंसीज हैं उनके बारे में जो पार्टनरशिप होती है उस डिपार्टमेंट को वो देखती हैं, और अब वो उसकी हेड है। तो ऐसी और भी कई हीरोइनें हैं जो वन फिल्म वंडर कही जा सकती है, जिसमें भाग्यश्री का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। भाग्यश्री कुछ फिल्मों में ही आई, मतलब एक ही फिल्म में, उसके बाद वो गायब हो गई। ऐसी और भी कई हीरोइनें हैं जो अलग अलग जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक आध फिल्म में ही और बाद में। तो अक्सर लोगों के बीच में ये चर्चा होती है कि फिल्म स्टार्स का करियर नहीं चलता तो उनके पास कुछ होता नहीं है करने के लिए, लेकिन नहीं, मयूरी कांगो का हमारे सामने एक उदाहरण है कि उन्होंने अपना स्टडी पूरा किया और उसके बाद फिर उन्होंने एक नया करियर, और आज वो गूगल इंडिया जैसी कंपनी के एक डिवीज़न की हेड है। तो इस तरह की और भी जानकारी हम अब तक लाते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडियन पॉपुलर कोर्ट।